हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप चौधरी एंड वेलकम टू टेक्सटाइल 2020। तो आज के वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। एडवांटेज ऑफ प्रोजेक्टाइल लूम्स, उसके बाद प्रोजेक्टाइल के टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कितने टाइप का प्रोजेक्टाइल हम यूज करते हैं, उसके बाद हमें प्रोजेक्टाइल लूम की जरूरत क्यों पड़ी या why we need प्रोजेक्टाइल लूम्स, ये सारी चीजें हम इन वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ प्रोजेक्टाइल लूम की। प्रोजेक्टाइल लूम की क्या क्या एडवांटेज हैं, व्हाई वी नीड प्रोजेक्टाइल लूम, क्योंकि हमारे पास दूसरी शटललेस लूम्स भी हैं, फिर भी हमने प्रोजेक्टाइल लूम को क्यों चूज किया, क्या एडवांटेज है उसकी, तो वो कुछ एडवांटेज हम अब डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल लूम की। प्रोजेक्टाइल लूम की विड्थ काफी ज्यादा होती है, तो हम एक साथ दो या तीन क्लॉथ की वीविंग एक साथ कर सकते हैं, जिनको बाद में अलग अलग विड्थ के हिसाब से हम कट कर सकते हैं। बेसिकली प्रोजेक्टाइल लूम के अंदर रिसीविंग यूनिट को एडजस्ट करने का एक मैकेनिज्म होता है, जिसकी वजह से हम एक टाइम पर हम एक साथ तीन विड्थ के फैब्रिक प्रोड्यूस कर सकते हैं एक ही लूम के ऊपर। तो ये बड़ा अच्छा फीचर है, हम एक साथ वीविंग कर सकते हैं तीन फैब्रिक्स की, इसकी विड्थ ज्यादा होने की वजह से, जो कि दूसरी लूम्स में ऐसा करना इतना इजी नहीं होता, जबकि प्रोजेक्टाइल लूम में ये काफी आसान रहता है। दो फैब्रिक्स को या दो से ज्यादा तीन फैब्रिक्स को हम एक साथ वीव किया जा सकता है प्रोजेक्टाइल लूम के अंदर। जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसके अंदर दो फैब्रिक्स साइड बाय साइड हम सेम लूम के ऊपर वीव कर रहे हैं और बाद में इन्हें कटर की मदद से दोनों फैब्रिक को अलग अलग कर लिया जाता है एक पर्टिकुलर विड्थ जो भी हमने वीव की है उसके हिसाब से। कुछ फैब्रिक्स हमें ज्यादा विड्थ के प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, जिनके अंदर हम एक्स्ट्रा विड्थ की रिक्वायरमेंट होती है एज पर एंड यूज, तो हम प्रोजेक्टाइल लूम के अंदर काफी लार्ज विड्थ के फैब्रिक्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अराउंड 540 सेंटीमीटर विड्थ तक के फैब्रिक को प्रोजेक्टाइल लूम के अंदर प्रोड्यूस किया जा सकता है। प्रोजेक्टाइल लूम के अंदर वार ब्रेकेज रेट काफी कम रहता है, क्योंकि इसके अंदर हम जो शेड है उसकी ओपनिंग बहुत कम रखते हैं। प्रोजेक्टाइल को पास होने के लिए ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि इसकी डायमेंशन बहुत कम है, बहुत छोटा होता है प्रोजेक्टाइल। और वार ब्रेकेज रेट कम रहने की वजह से लूम की एफिशिएंसी बढ़ती है, क्योंकि बार बार वार ब्रेक होता है तो उसकी वजह से लूम स्ट्रोक होती है, जिससे एफिशिएंसी डाउन होती है। तो इसलिए हम प्रोजेक्टाइल लूम के अंदर कम शेड ओपनिंग रख के वार प्यांस का जो स्ट्रेन है उसको कम कर सकते हैं और लूम की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, जो कि एक अच्छा एडवांटेज है इस लूम का। और शेड ओपनिंग कम रहने की वजह से वार प्यान की टेंशन भी कम रहती है, लोअर वार टेंशन होती है प्रोजेक्टाइल लूम के अंदर, क्योंकि जो मूवमेंट है वार प्यांस की वो बेसिकली शेड को ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए, जब हम वार प्यांस को अप एंड डाउन करते हैं हील फ्रेम्स में, तो वहां पर मूवमेंट ज्यादा होती है और वहीं पर वार प्यान के अंदर टेंशन बढ़ती है और टेंशन बढ़ने की वजह से उसमें खिंचाव आता है, वार प्यान ब्रेक हो जाता है। लेकिन इस लूम के अंदर हम उस टेंशन को काफी कम कर सकते हैं शेड हाइट कम करके, और वार ब्रेकेज रेट को हम रिड्यूस कर सकते हैं लो वार टेंशन की वजह से। प्रोजेक्टाइल लूम के अंदर, जैसा मैंने पहले बताया कि प्रोजेक्टाइल गाइड्स के अंदर पास करता है और उसका ना तो रीड के साथ कोई कॉन्टैक्ट होता है ना ही वार प्यांस के साथ कोई कॉन्टैक्ट होता है, केवल गाइड्स के अंदर से प्रोजेक्टाइल पास करता है। और रीड और वार प्यांस के थ्रू कॉन्टैक्ट कम होने की वजह से जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है दूसरी लूम्स के अंदर, वो फ्रिक्शन हम इसके अंदर काफी कम कर सकते हैं, जो स्पीड को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। क्योंकि शटल लूम में शटल डायरेक्ट रीड के कॉन्टैक्ट में भी होती है, वार प्यांस के भी कॉन्टैक्ट में होती है, स्ले के कॉन्टैक्ट में भी होती है, जिससे फ्रिक्शन बढ़ता है और स्पीड कम होती है। जबकि इसके अंदर प्रोजेक्टाइल केवल गाइड्स के कॉन्टैक्ट में होता है, ना ही वो रीड को कॉन्टैक्ट करता है ना ही वो वार प्यांस के कॉन्टैक्ट में आता है, जिसकी वजह से प्रोजेक्टाइल लूम की स्पीड काफी हाई होती है। प्रोजेक्टाइल लूम में हम मल्टी कलर के वेफ्ट को बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हम 4 से 6 कलर के वेफ्ट को इजीली इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि जो हमारी अदर लूम्स हैं या पुरानी लूम्स हैं उनमें पिक एंड पिक मैकेनिज्म में जो प्रॉब्लम आती थी उनको हम प्रोजेक्टाइल लूम की मदद से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जो मल्टी कलर मैकेनिज्म की प्रॉब्लम थी दूसरी लूम्स में, उसको प्रोजेक्टाइल लूम का यूज करके एलिमिनेट किया जा सकता है, जो कि इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है। इस लूम के अंदर प्रोजेक्टाइल फुल कंट्रोल में रहता है, क्योंकि पिकिंग साइड से पिकिंग यूनिट प्रोजेक्टाइल को होल्ड करके रखती है और पिकिंग के दौरान गाइड्स के अंदर प्रोजेक्टाइल कंट्रोल में रहता है और रिसीविंग साइड पर रिसीविंग यूनिट उसको
ग्रिप करके रखती है, तो प्रोजेक्टाइल कहीं पर भी अनकंट्रोल्ड नहीं होता, जबकि शटल रूम के अंदर शटल कंट्रोल में नहीं होती। शटल फ्लाइट की वजह से काफी एक्सीडेंट के चांसेस रहते थे, जो कि प्रोजेक्टाइल रूम में ऐसा कोई एक्सीडेंट का चांस नहीं रहता। प्रोजेक्टाइल फुल्ली कंट्रोल्ड रहता है पिकिंग साइड से लेके रिसीविंग साइड तक पहुंचने तक। अलग अलग जो हमने यूनिट यूज किए हैं, पिकिंग यूनिट, रिसीविंग यूनिट, और जो सेंटर में हमने गाइड्स यूज किए हैं, जिसकी वजह से प्रोजेक्टाइल हमारा पूरे कंट्रोल में रहता है और हम एक अच्छी वीविंग प्रोसेस अचीव कर सकते हैं प्रोजेक्टाइल लूम के अंदर इस कंट्रोल की वजह से। अगर हम एनर्जी की बात करें, कि एनर्जी कंजम्पशन की बात करें वेफ्ट इंसर्शन के लिए, तो प्रोजेक्टाइल लूम में सबसे कम एनर्जी यूज होती है वेफ्ट को इंसर्ट करने के लिए। अगर हम वाटर जेट, एयर जेट लूम को कंपेयर करें प्रोजेक्टाइल लूम्स में, तो उनके अंदर हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है वेफ्ट यान को इंसर्ट करने के लिए एयर जेट की मदद से या वाटर जेट की मदद से, जबकि प्रोजेक्टाइल में उनके कंपैरिजन में बहुत ही कम एनर्जी कंज्यूम होती है वेफ्ट यान को इंसर्ट करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि लेस एनर्जी कंजम्पशन इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल लूम। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल की, प्रोजेक्टाइल कितने टाइप्स के होते हैं और उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली हम दो तरह के प्रोजेक्टाइल यूज करते हैं, दोनों स्टील के बने होते हैं। पहला टाइप है प्रोजेक्टाइल का जो स्टील का बना होता है, जिसके अंदर 9 सेंटीमीटर लेंथ होती है और 40 ग्राम के अराउंड उसका वेट होता है, और उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो स्मॉलर होता है। जबकि दूसरा प्रोजेक्टाइल, वो भी स्टील का है, लेकिन उसकी जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर है, वेट उसका थोड़ा सा ज्यादा होता है, 60 ग्राम के लगभग उसका वेट होता है, और उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो लार्जर होता है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, जो कि हम स्मॉलर क्रॉस सेक्शन का यूज करते हैं। स्मॉलर क्रॉस सेक्शन का जो हमारा प्रोजेक्टाइल होता है, हम उसको मीडियम टू फाइन काउंट के लिए यूज करते हैं, जो सिंपल होता है। जबकि जो लार्जर क्रॉस सेक्शन होता है, वो हम हाई विड्थ फैब्रिक के लिए, बल्कि यार्न्स के लिए, फैंसी यार्न्स के लिए, इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम लार्जर क्रॉस सेक्शन वाले जो प्रोजेक्टाइल है उनका यूज करते हैं। तो ये दो तरह के प्रोजेक्टाइल इंडस्ट्री में ज्यादा यूज किए जाते हैं, स्मॉलर क्रॉस सेक्शन, लार्जर क्रॉस सेक्शन, एज पर द फैब्रिक वी वांट टू प्रोड्यूस। बेसिकली पहले के टाइम में स्टील या कार्बन कॉम्पोजिट्स का यूज करके प्रोजेक्टाइल प्रोड्यूस किए जाते थे, लेकिन कार्बन कॉम्पोजिट्स से जो प्रोजेक्टाइल प्रोड्यूस किए गए, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से आजकल उनका यूज काफी कम कर दिया गया है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। इसलिए आजकल ज्यादा मोस्टली जो भी प्रोजेक्टाइल लूम है, उनमें स्टील प्रोजेक्टाइल का यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी और उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है एज कम्पेयर टू कार्बन कॉम्पोजिट प्रोजेक्टाइल्स। अब जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये अलग अलग टाइप के प्रोजेक्टाइल आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। तो इस डायग्राम के अंदर आप ए, बी, सी और तीन तरह के प्रोजेक्टाइल देख सकते हैं। तो जो प्रोजेक्टाइल ए है, उसको ज्यादातर स्टैंडर्ड कमर्शियल यार्न्स के लिए यूज किया जाता है, और इसको हम स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल बोल सकते हैं, जिसके अंदर सिंपल क्लैंपिंग डिवाइस वो लगी होती है। अगर हम बी प्रोजेक्टाइल को देखें, तो वो ऑलमोस्ट ए जैसा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अंदर जो प्रोजेक्टाइल क्लैंपिंग डिवाइस है, प्रोजेक्टाइल के अंदर जो क्लैंपिंग डिवाइस है, उसका सरफेस थोड़ा सा हमने अलग तरीके का यूज किया है, और वो सरफेस ए प्रोजेक्टाइल के मुकाबले थोड़ा लार्जर है, ताकि अच्छे ढंग से ग्रिपिंग हो सके वेफ्ट यार्न की। प्रोजेक्टाइल बी को हम डेलिकेट यार्न्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, ताकि अच्छे ढंग से हम जो डेलिकेट यार्न उनको ग्रिप किया जा सके। अगर हम बात करें प्रोजेक्टाइल सी की, तो उसके अंदर जो क्रॉस सेक्शन एरिया और जो क्लैंपिंग एरिया, दोनों हमने लार्जर यूज किए हैं एज कम्पेयर टू ए एंड बी, बिकॉज हम इस टाइप के प्रोजेक्टाइल का यूज मोस्टली एक्सट्रीमली कोर्सर यार्न्स के लिए करते हैं। बहुत ज्यादा कोर्सर यार्न अगर हमें इंसर्ट करना है लूम के अंदर, तो हम सी टाइप का प्रोजेक्टाइल यूज करते हैं, जिसके अंदर क्लैंपिंग एरिया और क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों काफी बड़े होते हैं। तो ये कुछ टाइप्स होते हैं प्रोजेक्टाइल के जो हमने डिस्कस किए। आई होप आज जो भी चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस की, वो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए जो नेक्स्ट टॉपिक्स आप चाहते हो कि मैं अपने वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन करूं। आप हमसे कॉन्टेक्ट करने के लिए हमें मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, ये हमारी फेसबुक मैसेंजर आईडी है और ये इंस्टाग्राम आईडी है। जो बचे हुए टॉपिक हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल लूम के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।